हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर वन है द मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूटेंट काजिंग हेल्थ हजार्ड इज इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड सबसे गंभीर वायु प्रदूषक स्वास्थ्य खतरा पैदा कर रहा है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है क्वेश्चन नंबर टू हीलियम इज एडेड टू द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ डीप सी डाइवर्स बिकॉज इट इज इसका आंसर हो जाएगा लेस सॉल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर हीलियम को घरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में जोड़ा जाता है क्योंकि यह उच्च दबाव में नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम गुलहनशील होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड टेरिलीन इज ए कंडेंसेसन पॉलिमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड विच एसिड तो इसका आंसर हो जाएगा टेरीपैथालिक एसिड टेरीलीन इथालिन ग्लाइकोल और किस एसिड का एक संगनक बहुलक है तो ये टेरीपैथलिक एसिड इथालिन ग्लाइकोल का संगनक बहुलक है क्वेश्चन नंबर फोर जियोलाइट इज तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट एक हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है क्वेश्चन नंबर फाइव द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेज आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल किनवन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है तो ये इथेनॉल को तैयार करने के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्स एसिड रेन इज काज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से हुए प्रदूषण से अमल वर्षा होती है क्वेश्चन नंबर सेवन द एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है क्वेश्चन नंबर एट बटर इज क्लोराइड फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट मक्खन कोलाइड कब बनाता है जब पानी में वसा छितरा जाता है तब मक्खन कोलाइड बनाता है क्वेश्चन नंबर नाइन चारकोल कैन बी मेड एट होम बाय बर्निंग तो इसका आंसर हो जाएगा वुड इन अब्सेंस ऑफ एयर चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को चारकोल बनाया जा सकता है क्वेश्चन नंबर टेन डिप्लीशन ऑफ ऑक्जोन लेयर कॉजेज तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन कैंसर ओजोन प्रत के क्षरण के कारण क्या होता है तो त्वचा कैंसर होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन स्मॉग इज ए कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग स्मोग किसका संयोजन है तो यह धुआं और कोहरा का संयोजन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज कंटेन इन क्लोरोफिल? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई इज कार्बन मोनॉक्साइड अपॉलुटेंट तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्ट्स विथ हेमोग्लोबिन कार्बन मोनॉक्साइड प्रदूषण क्या है तो यह हिमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द बायोगैस यूज फॉर कुकिंग इज अ मिक्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है तो ये मिथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनाता है तो ये सोडियम कार्बोनेट का उत्पाद बनाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरेज तो इसका आंसर हो जाएगा हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है तो इसमें कम वेधन क्षमता होती है ये सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विड्स इज इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक अपशिष्ट से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है तो ये खरपतवार है पार्थेनियम क्वेश्चन नंबर एटीन सलेज वाटर इज तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन अपशिष्ट जल क्या है ये रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एमोंग द ऑप्शन इज तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है तो ये एंथ्रेसाइट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश गिव्स हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है तो कार्बन ऐड करने से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर तो इसका आंसर हो जाएगा लेड सल्फेट निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है तो ये लेड सल्फेट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज टू रिमूव कलरिंग मैटर फ्रॉम प्योर सब्सटैसेज बाय तो इसका आंसर हो जाएगा एज निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है तो यह है अधिशोषण क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री चर्नोबल डिजास्टर इज द रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन बाय तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट चर्नोबिल महाविपता किसके प्रदूषण का परिणाम है तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट इसका परिणाम है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग कास्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एमोंग द कोस्ट ऑफ केरला तो इसका आंसर है थोरियम। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है तो ये थोरियम के कारण हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी क्यूरी किसकी यूनिट है तो ये रेडियोधर्मिता की यूनिट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फॉर एस्टिंग फायर वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन के लिए हम किस का प्रयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन द केमिकल नेम ऑफ क्वारच इज तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है तो ये सोडियम सिलिकेट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट वन ऑफ़ द बेस्ट सॉल्यूशंस टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग अंजैब आक्रमणीय कचरे की निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है तो यह है पुनर्चक्रण क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है तो यह खुला तंत्र का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी तो इसका आंसर हो जाएगा विंड एनर्जी निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का क्या स्रोत है तो यह पवन ऊर्जा है जो स्वच्छतम ऊर्जा माना जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज़ समान तत्व तो के सभी एसोडोप में क्या होता है तो एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु संहित होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो यह स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है तो ये नाइक्रोम है जो प्रयोग की जाती है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कैल्शियम सॉल्स यूज एज फर्टिलाइजर इज तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लेवन प्रयुक्त होता है तो ये कैल्शियम सल्फेट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय तो इसका आंसर हो जाएगा रेड आंस फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो ये लाल चीटी के द्वारा उत्पन्न होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस एक सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है तो ये गैस है क्लोरीन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोबंस ओजोन की परत में रिक्तिकरण किसके कारण होता है तो ये क्लोरोफ्लोरोबन के कारण ओजोन की प्रत में कर जिसे डिप्रेशन भी बोलते हैं हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन फॉस्फोरस इज इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी द कॉमनली यूज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर इज तो इसका आंसर हो जाएगा फिर रेफ्रिजरेटर में समानता कि शीतलक या कुलेंट का प्रयोग किया जाता है तो ये फ्री है जिसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का पार्ट वन जो एस एस सी सीजीएल 2016 में पूछा गया था केमिस्ट्री का पार्ट टू वीडियो भी अपलोड किया जाएगा तो कृपया उसे भी जरूर देखें इसके अलावा हम लोगों ने और भी टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया है जो एस एस सी सी में पूछा गया था तो कृपया उसे भी जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें